हजारीबाग के गांधी मैदान और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आने वाले 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है और वो दोनों जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे और हजारीबाग और झारखंड को नई योजनाएं प्रदान करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी लोगों के बीच लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। इसी को लेकर हजारीबाग में दोनों जगहों पर पुरजोर तरीके से उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है जो कि अब अंतिम चरण में है। और इसी को लेकर हजारीबाग के भाजपा स्वच्छ भारत अभियान के जिला संयोजक नीरज कुमार गुप्ता गांधी मैदान पहुंचे हैं और उन्होंने मोदी के आगमन पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है और इसके साथ ही वहां पर तैनात पदाधिकारी से उनके सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई है और साथ ही साथ किसी भी तरह के अर्चन ना हो इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हजारीबाग से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। आशीष, 2 अक्टूबर को हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, क्या कुछ लेकर इसे तैयारियां की जा रही है? जी अवंतिका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के दौरे में रहेंगे, जहां 2 अक्टूबर को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्र स्तरीय इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बड़े सौगात भी राज्य को हजारीबाग धरती में 2 अक्टूबर को मिल सकती है। जी, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद यहाँ पे पाबंद है, यहाँ पे प्रशासन हर जगह पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि रोड का दोनों साइड में बैरिकेड लगाया गया है, जो 150 से अधिक मजदूरों के द्वारा से यहाँ पे किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।